सो आदेश और मैं ये बैग बुक लेके निकल चुके हैं। ये हमारा ऑटो, ये हमें लेके ये सामान रखो अंदर कि अब हम लोग निकलने वाले हैं थोड़ी देरों में और मज़े आने वाले हैं, बिल्कुल प्रॉपर इन्जॉय करेंगे हम लोग। यहाँ से हम लोगों की जर्नी शुरू होगी गाइस, बिना मास्क के आपको नहीं रहना, इन्जॉय करना है। सबसे पहले हम जाएंगे निजामुद्दीन, वहाँ से हम बस पकड़ेंगे। कहाँ, कौन से गाँव के लिए? नॉर्मल जाएंगे। ये हम 5 साल के बाद हम उस जगह पे जा रहे हैं और ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। जब हम लास्ट टाइम गए थे तो वो भी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, और इस वजह से हम दिल्ली में हैं और हमने रिक्शा पकड़ी है। देखते हैं कैसा होगा, हम अपनी सारी यादें डालेंगे इस वीडियो में। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है गांव में जाने के लिए। यादें अगर ये हीरो है तो मैं विलन। निकल चुके हैं अपनी बस के लिए और आदेश आप देख सकते हो। अरे आप सर भाई तो कर दो, अभी शुरू नहीं करी राइट, बट देखते हैं, लेट्स सी हम लोग क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले। और आदेश और मैं आ चुके हैं, आप देख सकते हो फैमिली। बस जल्दी से चल रहा है, फिर हम लोग निकले हैं और जर्नी शुरू हो चुकी है भाई। अभी तो गर्मी शुरू हुई है, जैकेट तो बड़ी ले भाई, जैकेट लेके आ भाई, कल ठंड होगी बर्फ पड़ेगी। इधर देखो उसकी जैकेट देखो, लग रही जैकेट में गर्मी है। खेत में जावेगी रे गौरी के टेंशन देखो। ये दिन बड़ी याद आ रहा है, नींद आ रही है भाई, बहुत आ रही है, तो मुझे ही बहुत आ रही है। अभी आपको दिख सकता है कि अभी रात हो रही है, धीरे धीरे ये वो दिन है जब हम आज से कुछ टाइम पहले आए थे तो देखे का क्या सीन था, मैं सोया था और आज इस टूर में ये सो तो यू कैन सी दिस की आदेश और मैं अभी यहाँ पे। और भाई कैसा लग रहा है? भाई बहुत अच्छा लग रहा है। हम पहले बोल रहे हैं कि भाई जब वहाँ पर रुकती है ना गाड़ी, उसकी फीलिंग कुछ और। हमने ये सोचा वो खाऊंगे, मैंने चिकन नहीं दिख रहा, चिकन नहीं दिख रहा सच में, कुछ कुछ तगड़ा देते। हमें अपने लाइफ में ये किसी ने उल्टी करी है बहुत बुरी तरह। गाड़ी मैं अपने लाइफ में ना एक आध टूर तो मारना चाहिए, क्योंकि जब आप टूर पे जाते हो तो आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हो। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ एक बार फिर से आया इस टूर पे। एक्चुअली वो आया नहीं, मैं ही, वो ही मुझे लेके आया, मैं देख रहा है पीछे से। ये जो आसमान है ना गाइस, मैं आपको क्या ही बताऊँ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। और ये अभी सुनील भाई के साथ बाइक पे ये हमें पिकअप करने आए हैं। जो रोड है ना अरे भाई साहब, ये मैं कैप्चर नहीं कर सकता गाइस, मैं आपको कुछ दिखा नहीं सकता भाई। यहाँ पे तो शेर वेर भी होंगे, दिखा नहीं सकता, पर रोड भाई साहब, फोन ये जीप बना मेरा भाई साहब, आदे बेस्ट पहले भाई साहब, सिर्फ वॉइस आ सकती है भाई। ये देखो गाइस, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, माइंड को इमेजिन करा दे, इस वक्त पूरा बीच में बहुत बड़ा रोड है खाली है और हमारे और बाइक के दोनों तरफ खेत है और ऊपर बड़ा आसमान है, हमने दो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और हमारे साथ जो सुनील नहीं है बहुत तेजी से बाइक भगा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है तो कांड। Yeah.
हमारे ताऊ जी है। यहाँ का जो टूर है भाई अनएक्सपेक्टेड है, बहुत अच्छा लगा जिस तरह से वहाँ की बहुत ज़्यादा ये दूल्हे साहब हमारे लिए खाना लगा रहे हैं। आप देख सकते हो गाइस ये बंदा हमारे लिए खाना लगा रहा है, ये भाई की शादी है, ये फौजी भाई हमारे खाना लगा रहा है हमारे लिए। बना 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 बिल्कुल नहीं बनाना था। बना बना अब बात करना, पब्लिक से बात कर रहा था, यूट्यूब पे डालूंगा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो गाइज अभी हम सो रहे हैं, सो मैं दिखाऊं सिनेरियो आपको। तो जैसे कि हमने बताया था कि आपको कि हमारे साथ क्या हुआ था रोड पे, और हम लोग एक्चुअली बाइक पे ट्रिपलिंग कर रहे थे और सामने हमें पुलिस वाला दिखा, एक पुलिस वाला दिखा। चलो यार एक पुलिस वाला है, चालान वालान काट के जाता था क्या करेगा। तो हमने उसको देख के भगाई नहीं गाड़ी और ना हमने घुमाई, हम लोग गए, हम लोग रुके वहाँ पर। और फिर तरन क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ? एक नहीं 10 पुलिस वाले आ गए। फिर 10 पुलिस वाले आए, वो बंदूक लेके, कोई लाठी लेके, हमें से गोल बंदूक लेके भाई खड़े हो गए। गोल हमें ऐसे ना पूरा घेरा बना लिया उन लोगों ने। फिर आई एक जीप बहुत बड़ी गाड़ी, उसमें था इंस्पेक्टर था। उनको देख के हमारी भटक गई। वो बंदा कह रहा एक पुलिस वाला जो सबसे पहले मिला था, हाँ भाई नाम बताओ, नाम बताओ कहाँ से हो, क्यों आए हो। तो हमने बहुत प्यार से बताया कि भाई ये हमारा नाम है, दिल्ली से है, शादी अटेंड करना है। तो बोलता है कि बाइक पे 3 दिन। तो हम बोले मजबूरी है। गाड़ी नहीं है। तो फिर उसने हमें जाने दिया। तो एक चीज़ हमें अच्छी लगी कि यहाँ की पुलिस वाली बहुत ही अच्छी थी, इज्जत वाली है पुलिस, बहुत रिस्पेक्टफुल है। हम लोगों को छोड़ा और कुछ ज़्यादा सवाल नहीं, बस उन्होंने डिटेल ली, उनकी गाड़ी का नंबर लिया, अपना फ़ोन का एड्रेस लिया, फ़ोन का नंबर लिया, बस फिर उन लोगों को जाने दिया। लेकिन जो रोड था एक नंबर, अलग ही लेवल था। ऐसा रोड था पूरा एकदम बड़ा आसमान, और बस रोड पर हम 3 दिन बाइक से भागी जा रही थी। चलो नींद आ रही यार, सोने की तैयारी।